आज हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि कैसे जावा प्रोग्रामिंग के थ्रू और जावा प्रोग्राम के थ्रू हम दो नंबर को आपस में सब्सट्रैक्ट करा पाएँ, घटा पाएँ उनको। तो सबसे पहले हम, जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में सीखा था कि सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड कराते थे सी में, तो यहाँ पे हम इम्पोर्ट कराएंगे पैकेटेड, मतलब जावा में जो पैकेज होते हैं उनको हमको इम्पोर्ट कराना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बेसिक पैकेज को इम्पोर्ट कराएंगे, जो कि है, इसके लिए हम लिखते हैं इम्पोर्ट, कीवर्ड का यूज़ करते हैं java.lang। तो ये lang नाम का पैकेट हो गया, अपना पैकेज हो गया, और उसके अंदर .astic मतलब जितने भी क्लास हैं, पैकेज जो होता है वो कलेक्शन ऑफ क्लासेस होता है, तो जितने भी क्लासेस हैं वो पूरे क्लास लोड हो जाएंगे। एस्ट्रिक का मतलब होता है जावा में ऑल, यानी कि पूरे क्लासेस, जितने भी क्लास हैं वो लोड हो जाएंगे। उसके बाद हम क्लास नाम लेंगे, क्लास SUB सब। तो जैसा कि जावा जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसमें क्या रहता है, कुछ रूल्स डिफाइन है, जैसे कि क्या है, जो भी क्लास का नेम होता है उसका फर्स्ट कैरेक्टर हमको हमेशा कैपिटल रखना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने सब का एस कैपिटल रखा है। ज़रूरी नहीं कि हम क्लास नेम सब ही लें, कुछ भी ले सकते हैं क्लास नेम, xyz ABCD कुछ भी। तो जो भी क्लास नेम लेंगे उसका फर्स्ट कैरेक्टर जो हो कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद हम इसके स्कोप को खोलेंगे, ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट को ओपन किया, देन हम यहाँ पे मेन फंक्शन बनाएंगे, जैसा कि सी में बनाते थे void main, यहाँ पे बनाएंगे public static void main, और इसके अंदर लिखेंगे आर्ग्यूमेंट में string args, और इसको एरे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि मेन फंक्शन है लेकिन हमने इसको पब्लिक भी किया, पब्लिक यानी हर जगह से ये एक्सेस हो सकता है, स्टैटिक किया। स्टैटिक का मतलब होता है कि ये थ्रू आउट द प्रोग्राम क्या करेगा, पूरे थ्रू आउट द प्रोग्राम जो है सबसे कभी ये इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। मींस कि जो स्टैटिक वर्ड, मतलब सबसे पहले एक तो इसको मेमोरी मिल जाएगी और थ्रू द प्रोग्राम ये चेंज नहीं होगा। उसके वॉइड यानी होता है नल, और स्ट्रिंग, ये आप देख सकते हैं हमने स्ट्रिंग का एस कैपिटल लिया है, यानी कि ये एक क्लास है, जैसे ये लिखा हुआ है, जिसका भी फर्स्ट करेक्टर अगर हमको हमेशा मिलता है कैपिटल तो वो ऑलवेज क्लास होती है। तो स्ट्रिंग एक क्लास है, और args ये हमने उसको आर्ग्यूमेंट दिया है, लेकिन ये एरे टाइप का आर्ग्यूमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा मेन फंक्शन है वो क्या करेगा, जो भी आर्ग्यूमेंट्स को लेगा उसको स्टोर कराएगा एरे में, और एज अ स्ट्रिंग स्टोर कराएगा। यदि आप नंबर भी डालते हैं 1, 2, 3, 4 तो उसको ये मेन फंक्शन स्ट्रिंग के रूप में ही कंसीडर करेगा। ये है मेन कंसेप्ट जावा का। उसके बाद हम जाते हैं कर्ली ब्रैकेट, हमने ये मेन फंक्शन का ओपन किया, int a=10, b=5 और result=0। तो यहाँ पे हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, जो कि a है, b है और रिजल्ट है। तो a को हमने 10 असाइन करा दिया, b को हमने 5 असाइन करा दिया, और रिजल्ट को हमने 0 असाइन किया। 0 इसलिए क्योंकि गार्बेज वैल्यू ना ले ले। अब हम सब्सट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, result=a-b, यानी 10-5=5 आ जाएगा, रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। अब हम system.out.println और इसमें हम रिजल्ट को शो करा देंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में बनाया था, सिस्टम जो है अपना क्लास है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका एस बड़ा है, तो सिस्टम क्लास है, और आउट जो है वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट है, यानी कि सिस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट आउट है। उसके बाद क्या होगा, डॉट प्रिंट एलन। तो प्रिंट एलन क्या करेगा, जो प्रिंट हमारा जो प्रिंट फंक्शन है वो क्या करेगा, रिजल्ट में जो भी वैल्यू उसको प्रिंट करेगा, लेकिन ln और लगा है उसके साथ। तो ln क्या करेगा, जो कर्सर होता है, जो ब्लिंक करता है, उसको नेक्स्ट लाइन पे पहुंचा देगा। तो ये काम करेगा प्रिंट ln। और इसके बाद हम क्लोज किया, हमने void main का फंक्शन का क्लोज किया हमने कर्ली ब्रैकेट, और क्लास को भी हमने क्लोज किया। अब हम इसको सेव कराएंगे, तो इसको सेव कराने के लिए सेव एस पे गए हम। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जावा का एक रूल होता है, क्या करना पड़ता है कि क्लास का जो नाम है एज इट इज़ फाइल नेम हमको रखना पड़ता है, यानी कि क्लास का नाम सब है तो हमको सब ही रखना पड़ेगा। तो एस कैपिटल SUB सब डॉट, अब हम क्या इसको जावा देंगे, जावा डॉट जावा, जैसे कि उसमें सेव करते थे .c.cpp, तो यहाँ पे डॉट जावा, और इसको हम करा देंगे सेव। तो ये हमारा सेव हो गया, तो हमने इसको सेव कर दिया। अब हम क्या करेंगे,
इसको कंपाइल कराएँ। कंपाइल करने के लिए ये मैंने एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, मैं नोटपैड नहीं है, ये जे क्रिएटर एक सॉफ्टवेयर है जिसके मदद से हम इसी प्लेटफॉर्म पे प्रोग्राम को लिख भी सकते हैं और रन भी करा सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज़ हमको जावा के लिए नोटपैड पे प्रोग्राम लिखना पड़ता है, फिर उसको सेव करके कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कमांड डाल के उसको रन कराना पड़ता है, तो वो थोड़ा क्रिटिकल पड़ जाता है। इसलिए आप जे क्रिएटर सॉफ्टवेयर का भी यूज़ कर सकते हैं जावा प्रोग्राम्स बनाने के लिए। तो इसको हमने कंपाइल किया, कंपाइल हो रहा है हमारा प्रोग्राम, ये प्रोसेस कंप्लीटेड, कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है इसमें। अब हम जो क्या कराएंगे, इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। तो एग्जीक्यूट कराने पे आप देख सकते हैं हमको एक विंडो खुल के आ गया, उसमें क्या लिखा गया, फाइव लिखा गया, और ये कर्सर जो है आप देख सकते हैं नेक्स्ट लाइन पे ब्लिंक कर रहा है। तो ये प्रिंट एलन ने अपना काम किया कि उसने रिजल्ट में जो फाइव था उसको स्टोर कराया और इसको यहाँ पर करा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपेयर कर लें, ए की वैल्यू 10 थी, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, तो इस प्रकार से ये प्रोग्राम रन हुआ। तो और भी आप जावा के प्रोग्राम सीखने के लिए, जावा का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।